अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। शराब पीनू हानिकारक है, बहुत ज्यादा। क्या बोले, जोर से बोलो, जोर से। है रिसर्च में जो लिखो है कि एक नौजवान ने गटक ली ज्यादा, नई उम्र को है तो नई उम्र को, अच्छा कसम से गुर्दा गल गए शराब। अरे दादा, नौजवान लोगों के जो एकदम नाजुक नाजुक कोमल से वो होते हैं लीवर फेफड़े गुर्दा कलेजी, है शराब उनको सही नहीं उनके लिए। क्यों पता दिक्कत का है? दिक्कत जा है कि जो एजेड लोग हैं ना, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, वैसे तो उन्हें भी ना पियो चाहिए, लेकिन वे पीते हैं तो हजम कर लेते हैं। तूने सही कही, नौजवानों को तो देखो जाए, शराब पीनो तो छोड़ो, देखनो भी नहीं चाहिए नौजवानों को। बहुत अच्छा, बच्चे समझ जाए बस ये। पापा। हाँ बेटा बोल। समझ। आपसे कुछ हाँ। कहना था। बोलो बोलो, डरो मत, बोलो, तुम्हारे पापा हैं। जो क्लियर करने कर ले। नहीं सर, आपके वो पैर अब। पैर छूके बोले को? बहुत अच्छा, संस्कारी लोग। बोल। नहीं नहीं नहीं, पैर में बॉल है, बॉल इसने अभी मारी। मैंने नहीं मारी, इसने मारी बॉल। दे 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 दे। और कछू कहने? नहीं थैंक यू। चे, चे। हमें तो चूमुलाल, देखो बच्चों से भी मतलब कम उम्र के लोगों से भी ज्यादा हमें गुस्सा ये आता है कि ये जो बेचते हैं ना कम उम्र के लोगों को शराब, उनके ऊपर नगेल कसनी चाहिए, उनको ये सबसे बड़ी गलती है। कहाँ हमारी नजर में है। अबे हमने कल ही एक को ऐसो पेलो, सारो जिंदगी में शराब को नाम न लेगू, हमने गुर्दा फोड़ दे बाकी। अब तो दूर की बात, शराब की दुकान ही ना खुलेगी जिंदगी में। तुम्हें पता है ये लखनऊ में ना दिन दहाड़े एक लड़की का अपहरण हो गया है, और अपहरण कौन ने करो पता है? किसने? वाकई अपने दोस्तन ने मिलजुल कर, जो भी ज्यादा बड़े नहीं है, बस 2-4 साल आगे पीछे हैं। अरे बाप रे। ऐसे मम्मी, इस दुनिया में इतना भी स्टूपिड नहीं होना चाहिए। हो बेटा जी, तो सही कह रही हो, लेकिन क्या है ना, हमें खाली लग तो है कि हम बहुत चंट हैं, चलाक हैं, लेकिन दुनिया में ना एक से बढ़ के एक धुरंधर पड़े हैं। एक ढूंढो 1,000 मिलते हैं, कब चपत लगा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पर मम्मी आप घर के अंदर बंद भी नहीं रह सकते ना। हो समझ नहीं तुम्हारी बात, लेकिन बेटा बाहर कौन से कितनी दोस्ती करनी है, कितना मेलजोल बढ़ाना है, जब तो हमारे हाथ में है ना। आप उसकी टेंशन मत लो, मैं अपने क्लास में ज्यादा आलतू फालतू लोगों से बात भी नहीं करती, और कोई मुझसे भी पंगा नहीं लेता पापा के डर से। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये बोल रही है गुनिया सर, ना रो मई बात की, हम पगलन जैसे ज्ञान दे रही हैं, इन्हें सिर्फ क्रिकेट की पड़ी। बहनी बिल्कुल दिल से भूल रही, क्या अंतरात्मा से आवाज निकल रही, नोट कर ले क्या, बस अब शराब को हाथ नहीं लगाने। पीना तो दूर की बात है, घातक है, प्राण घातक है। जा शराब बिल्कुल डट, सभी के लिए बहुत बेकार चीज है शराब। करेक्ट भाई, ये लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? शराब छोड़नी पड़ेगी। अरे इतनी महंगी वाली बोतल ली है पापा के बर्थडे के लिए, गिफ्ट के लिए, अब ये अगर ऐसे छोड़ देंगे तो पूरी की पूरी बोतल वेस्ट हो जाएगी ब्रो। और क्या, पर पापा को शराब वराब छोड़नी है तो बाद में छोड़े ना, एक हफ्ते बाद छोड़े, अभी क्या है। हाँ भाई कुछ तो करना ही होगा। एक काम करते हैं, अखबार छुपा देते हैं, वरना ऐसी आलतू फालतू खबरें रोज पढ़ते रहेंगे, एक हफ्ते के बाद भले छोड़ दे चल जाएगा, है ना। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर सरप्राइज फेस नहीं जाना चाहिए। अब दिमाग में घुसी बात हमें लग रो। चौमूलाल देखो कहा है ना, लौंडे तुम्हारी है, तुम्हारा ही DNA इनके अंदर है, तभी घुसी। वही तो घुसेगी तो एक कान से, बहुत बढ़िया, दूसरे कान से निकाल भी देंगे, तुम्हारी तासीर कुछ और पैतरा लगाना। तो सारी हमेशा मतलब मनोबल गिराने वाली बात। मनोबल नहीं, हम तो लौंडे को रास्ते में लाने की बात सोच रहे, तुम सोचो और कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना बेटा, कभी कभी हमारे दोस्तन में भी ना एक से बढ़ के एक दोस्त होते हैं, ऐसे रंगे CR टाइप के, समझे तुम। हमें लग तो है कि हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, ऐसे बहुत करीबी हितैषी हैं, लेकिन कब तुम्हारे संग दुश्मनी निकाल रही है तुम सोच भी नहीं सकते। जय के लाने थोड़ी
ऐसे दूरी बना के रखनी चाहिए। मम्मी आजकल लगता है आप कुछ ज्यादा ही क्राइम सीरीज देखने लगे हो, तभी इतनी ड्रामेटिक बातें कर रहे हो। ड्रामेटिक बात करने हैं हैं? ऐसो है जे काहे क्राइम सीरीज हो कि फिल्म हो, जे लोग कहानी खुद से थोड़ी ना पैदा करते हैं। जे हमारे आसपास जो कुछ भी घटित होते है ना, वहीं से कहानी उठाते हैं। अब इतनी फिल्में बन रही, इतनी सारी सीरीज आ रही, जाको मतलब यही है ना बेटा कि हमारे आसपास कुछ गड़बड़ी है। अब जहाँ से पहले कि हमारे संग कोई हादसा हो, वाके बाद हमारी अकल जागे, भगवान ने जो अकल दी है वाके इस्तेमाल कर लेना चाहिए ना। मम्मी डोंट वरी, आपकी चमची को बेवकूफ बनाना ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच चोटी बनाने के लिए, बाय बाय। टूडल्स ईट नूडल्स। क्या बोले बताओ? हमने सोचो जाके समझाएंगे कछु कि थोड़ी सतर्क रहना है, जा मैं ही समझा गई। हमारी मम्मी है कि हम जाकी मम्मी है। सो कैट 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 कैट, सी मी नाउ मेकिंग वेरी सिंपल इजी पीजी दाल चावल, जस्ट यू नीड टू सी इट, ओके, लर्निंग। ओह कमलेश, यू आर द परफेक्ट सुपर शेफ, बाय मी सीइंग एंड लर्निंग, मी नोइंग यू गोना मेकिंग बेस्ट दाल चावल। Cat, cat, it is okay. If you're not seeing, then how you learning? Dal chawal. Uske liye dekhna padega, seekhna padega. To dekho to sahi. Okay. You just pass forward telling me. Then me will ratta maro, just like my exam days. Oye kavve, aisa hai, zyada mehnat karne ki zarurat nahi hai. Time waste hoga faltu mein, jo important hai, wahi bata de bas. So, me tell you very, very fast. Dal is ready. Almost ready, no? Me smelling. Oh my God, wow! Kamlesh, your food is smelling very, very good, and me sure this is very tasty. Now mother will be very happy, and then she giving me permission to go for job. Thank you. Dun dun dun. Yes, mother. Now please tasting it. मजा आ गो। hey, hey! बढ़िया दाल चावल बनाया तुमने। Wow, meaning you liking the food, mothers. Meaning now finally me passing the test and me going for the job. ऐसा है बेटा, जी खा के हम सही सलामत खड़े रहे। नहीं मतलब माओ मतलब है जी खा के हजम तो हो जाने दो, बाकी बात सोचेंगे तुम्हें भेजना है कि नहीं भेजना है ना। नहीं नहीं कैसी बात करी मम्मी, डाइजेशन एकदम बढ़िया होगा, परफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, मतलब पता कितनी मेहनत करी दीदी ने खाना बनाने में, क्या ही बताऊं। बस तुम उतर ही खड़ी थी दीदी की हेल्प करने के लाने, तभी तुमने देखो है। वैसे बेटा ये दाल कैसे बनाई तुमने? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।